शॉट लेते थे, मेरी तारीफ हो रही थी तो इसमें आवाज तो आएगी होगी, तो लेना बनता है ना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एकदम अच्छे और फाइन और बढ़िया होंगे मेरी तरह। और नए साल की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से। आज है 2nd of January और आज है हमारे ऑफिस में 2 घंटे की छोटी सी, हाँ मात्र 2 घंटे की पार्टी। तो उसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि क्या पहनूं 2 घंटे की, क्योंकि तो एक तरफ कोट रख दिया है, एक तरफ ये जैकेट रख दिया है, तो समझ नहीं आ रहा क्या डाला जाए। और आप लोगों से भी हेल्प नहीं मांग सकता राइट नाउ, क्योंकि कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि आप बता नहीं सकते हो, तो खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। मम्मी बोल रही है कोट डाल ले, मैं सोच रहा हूँ कि कोट ना डालूँ क्योंकि 2 घंटे की पार्टी है, क्या करूँ। चलो जो भी, अभी आपको आगे चल के पता चल जाएगा। और वैसे ही बहुत लेट हो रखा हूँ और आज आपके साथ में ढेर सारी बातें भी करनी है मेरे को, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं व्लॉग किए हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बतानी है, तो वो भी आगे बताऊंगा। पहले तैयार हो जाता हूँ फिर बताता हूँ। गाइस ये आगे वो घड़ी जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अभी मेरे बाल एकदम खड़े हुए देख रहे हो आप, ये खड़े नहीं रहेंगे बेचारे। दिस इज माई डाकू लुक, एकदम पैक। और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है बाहर, आज हुई है बारिश, आई कैन सी। तो गाइस मम्मी ने बोला था पहले ही कल रात को मम्मी ने बोला कि भाई तेरे बाल कितने अच्छे बने हुए हैं ना, तो मैंने बोला मम्मी ऐसे ही है, जब भी कुछ फंक्शन होगा तो बेकार हो जाएंगे पर वैसे अच्छे रहेंगे। तो अभी एकदम बेकार बाल हो रखे हैं, हेलमेट डालते हो कि मैंने बताया था कि बाल बेकार हो गए, ऑफिस में आते ही देखा बाल ख़राब और ठीक होते नहीं है, पता नहीं क्या है, पर छोड़ो। तो दिस इज़ वेरी बिग फॉर माई फेस, पर मम्मी कल नया लाई है आज के लिए कि इसके साथ मैच करे, तो मम्मा इज केयरिंग। और आज देखते हैं क्या बनाया है। तो दाल है और एक सब्जी है सूखी वाली, आई थिंक ये आलू कुछ है और मुझे नाम नहीं पता, छोड़ दो, खाने से मतलब है। गाइस ये हमारी सोनिया मैम, मैम न्यू ईयर विश कर दीजिए व्यूअर्स। हैप्पी न्यू ईयर। और ये ब्यूटीफुल प्रियंका, हेलो, इसको फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, प्रियंका 367। ओके ठीक है, तो ये इसकी आईडी। तो ये ब्यूटीफुल सा अरेंजमेंट जो है हमारे ऑफिस में किया है, ऑफिस की लॉबी में ये फोटोशूट चल रहा है मिस वैष्णवी के थ्रू। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर हैं, विशारद सर, पिछली बार मैं जिनको व्लॉग में ले नहीं पाया था तो उन्होंने भी स्पेशल रोका, हाँ भाई हमारे तो कोई दुश्मन ही है, रहना कि नहीं रहना, तो भाई एडमिन के बंदे हैं तो उनको व्लॉग में लेना बहुत ज़रूरी है। अभी वहाँ पे है तो एक बार चलते हैं, इनसे भी मुलाकात कराता हूँ आपकी, बहुत बढ़िया नाइस पर्सन है, पिछली बार गलती से भूल गया था पर इस बार नहीं भूलेंगे। हाँ जी विशारद सर, हैप्पी न्यू ईयर तो कर दो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर सर, कैसा टेस्ट आप खा रहे हो अभी? हमने तो खाया नहीं है। इट्स अ ब्रांड ऑफ बर्गर किंग, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, विद कोल्ड ड्रिंक, एक नंबर। देखो ये एडमिन के बंदे तो तारीफ कर रहे हैं, वो यूजर है, कहने ठीक है, यूजर से भी रिव्यूज लो ना। अभी एक और यूजर भाग गया तो मैं ही बताऊं कैसा है। ठीक है सर, थैंक यू, काम बन गया, लॉन्ग लाइफ हो गई अपनी। और सर बर्गर कैसा लग रहा है? बढ़िया, मस्त, बहुत बढ़िया लग रहा है, मैंने खाया नहीं है। अच्छा मैंने भी नहीं खाया, फोटोग्राफर भी आ गए जी, मेरा फोटो खिंचवा देते हैं, आ जाओ। तो ये भाई थोड़ा सा गुस्से में थे, हमारे गुस्से में भाई थे, आए और फोटो खींची और चले गए। भाई अगर ये वीडियो अंकित सर देख रहे हो या गुप्तर देख रहे हो, सर देख लो हमारी फोटो ऐसी खींची है, सब नाराज हो गए। प्रकाश सर कुछ बोल रहे हैं, ऐसी फोटो खींच चले गए, देख लो आ रहे, बुला रहे दोबारा, बुला रहे आ गए। मैं बता रहा हूँ ये वीडियो देखेंगे सर, मैं पहले बता रहा हूँ, देख लो ऐसे चले गए बिना फोटो लिए। चलो लो फटाफट लो,
गाने प्ले हो गए जस्ट राइट नाउ और अब मैं बैठूंगा खाने के लिए। कॉपीराइट ना है बस, वो दिक्कत है। आवाज तो ठीक से आएगी नहीं, तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से समझ जाना कैसा लगा। देखो वैसे जनरली मैं बोलूँ तो मेरे को बर्गर किंग का बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है मैकडी का और बर्गर सिंह का। जितने बर्गर सिंह का है वो पता होगा, पर मेरे को नहीं पसंद आई। चीयर्स न्यू ईयर पे आप सभी को। से लेस करना है वो तो चला ही गया ना, फ्रीलांसर था वो, मेल आई थी कि 3600 पीओपी के लेस हमारी नई फैमिली से ऑलमोस्ट आप लोग मिले हुए हो। इसमें एक और पर्सन जुड़ा है जो है हमारे दीपक भाई, नए नए ऐड हुए हैं और एक महीना हुआ है भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। दीपक भाई मैं तो बहुत पुराने क्या पूछो कैसा लग रहा है, क्योंकि ये पिछले बहुत टाइम काम कर गए हैं यहाँ पे। बल्कि खा के पी के कैसा लग रहा है अभी, खा के लेने का मन कर कैच बन गई। मैंने वैसे पूरी नहीं पी, आधी पिए रख दी, मैं टका रही गंदी थी। अभी डांस करनी है, एनर्जी बनानी है यार, पेट नहीं खराब करना, पता ही आपको। तो भाई सर का कहना है कि आशीष भाई यू आर द पार्टी, डांस स्टार्ट कराना है बाकी कर लेंगे। सब डांस नहीं कर रहे हैं पर भाई करेगा, सब करेंगे, ये तो कर लेगी प्रियंका, करेगी भाई। आओ प्रियंका आ जा पल्ले भी। ये रॉकर है भाई, रॉकर भाई, दोस्तों तो मिलना आए लगे हैं। ये सर इनकी हाउस हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, थोड़ा लाउड एक्साइटमेंट। हरी सर भी हैप्पी न्यू ईयर। गट पानी दे गई ये सपना। 1 2 3 हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरे को ब्लॉग में लिया नहीं, हैप्पी न्यू ईयर विश करते हुए और मेरा कोटा बुला। भाई लड़कियां ऐसा है, ये बैलून फोड़ने वाली है सारी, बम फट गए घुड़ घुड़। अरे मुझे मत मारना, तो गाइज आपके साथ में कुछ 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करने थे मुझे अपनी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि 2020 में तो बिल्कुल खराब कहानी रही, पर 2021 से उम्मीद है जो गुड न्यूज है वो कुछ हो सकती है। आप गैस कर सकते हो, मैं कुछ हिंट दे सकता हूँ, आप कमेंट में बता देना कि इसमें से क्या होगी, या ये सभी होंगी या क्या होगी, आई डोंट नो। आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। काफी टाइम से व्लॉग नहीं कर रहा था, बोल रहा था बहुत परेशानी चल रही है, परेशानियाँ अभी भी बहुत सारी हैं, पर फिर भी
कुछ कम है और कुछ गुड न्यूज़ हैं। तो गुड न्यूज़ के लिए हिंट देता हूँ मैं आपको, क्या 2021 में मेरी शादी होने वाली है, क्या मैं बहुत अच्छा या बढ़िया घर लेने वाला हूँ, दुकान लेने वाला हूँ, क्या लंबे टूर पे जा रहा हूँ, हफ्ते की छुट्टी, तो कुछ चार पाँच, एक आदमी मुझे याद नहीं आ रही, चार पाँच गुड न्यूज़ हो सकती है आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिले, पर इनमें से कोई ना कोई एक तो ज़रूर पक्की होगी, पर जो भी होगी वो आपको पता चली जाएगा। तो मेरा दिल बहुत था आपके साथ में बहुत सारी बातें शेयर करने का, उसमें से कुछ बातें ये हैं और बाकी बातें भी शेयर करूँगा बहुत जल्दी, पर धीरे धीरे व्लॉग धीरे धीरे आएंगे। ये फैमिली के मेंबर्स जितने भी हैं मेरे, उन सबको एक्चुअल में पता है कि दिक्कत चल रही है, इसकी वजह से व्लॉग बहुत कम कर रहा हूँ, पर बहुत जल्दी अगर भगवान ने चाहा तो बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, और किस किस लिए हो सकते हैं उसके लिए मैंने गुड न्यूज़ आपको बताई दी है। चलते हैं वापस बैक टू पार्टी। तो ये एक और न्यू फैमिली की मेंबर है, सब्सक्राइब नहीं किया होगा उन्होंने, मुझे डेफिनेटली बताया। तो गाइस आईटी रूम में आने का कारण ये है कि यहाँ पे म्यूजिक नहीं बज रहा है, जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर सकता हूँ, और बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डिजिटल फैमिली के एक मेंबर है रोहित भाई, जिन्होंने बहुत दिल से मुझे बोला है कि मेरा नाम लेना भैया एक बार अपने वीडियो में। तो रोहित भाई ये वाला था तुम्हारे नाम, बाय बाय गाइस, मिलते हैं घर पे। आंख 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 मारे ओ लड़की आंख मारे। तो भाई साहब बहुत दिन के बाद में इतना डांस किया है ना, मजा आ गया, और बहुत दिनों के बाद शायद से इतना खुल के हंसाऊंगा, तो इट्स ऑसम। और आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोगों का 2021 बहुत बेहतरीन जाए, और आप भी आशा करना कि मेरा 2021 ऑसम रहे, बहुत सारी ढेर सारी वीडियोस आए और सारी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ कर लेना। और सेम मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आपका ये 2021 एकदम चुम्बेश्वरी जाए। एक चीज तो और मैं बोलना भूल गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो वो लाइक जरूर कर देना, और जो नए हो मेरे चैनल पे वीडियो देखते हो अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना यार, वो बहुत जरूरी है आपको पता ही है, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 2021 में सब्सक्रिप्शन मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, अगर आप चाहते हो कि मैं नॉन स्टॉप वीडियोज डालूं। अगर मेरे चैनल पे रोज 4-5 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर दूसरे दिन एक न्यू वीडियो जरूर डालूंगा, और जिसमें बहुत सारी खुशियां दिखाऊंगा, कोई झूठी नहीं सच्ची, लेकिन कहां से लाऊंगा पता नहीं, पर करूंगा जरूर। तब तक के लिए हमेशा की तरह बोलूंगा, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।